आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरी वालिदा तो मेरे साथ नहीं है, उन्हें हमसे पिछले तकरीबन 30 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन आज मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जितना प्यार और मोहब्बत दिया, तो मैंने फैसला किया कि आज मदर डे के मौके पर मैं अपनी सास के साथ मदर डे का केक काटता हूँ। जी आंटी जान, आप केक काटते हैं। आज इस पूर्व मसरत मौके पर मुझे अपनी वालदा बहुत याद आ रही हैं। मेरी वालदा कहा करती थी कि मेरा बेटा अमीन हफीज बहुत ज़्यादा इज्जत और तरक्की पाएगा और तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मेरी वालदा मुझे एक बात कहा करती थी कि बेटे कोई ऐसा काम करो कि आप का जो जिक्र है वो अखबारात में आए, टेलीविज़न में आए, और जब आप टीवी पर और आप अखबार में आपका नाम और तस्वीर छपे तो मैं बड़े प्राउड तरीके से कहूँ कि मेरा बेटा अमीन हफीज़ ने इज़्ज़त और तरक्की की मनाजिल तय की हैं। आज मैं समझता हूँ कि सहाफत के शोबा में मुझे जो इज़्ज़त और तरक्की मिली है, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जो सदर पाकिस्तान ने मुझे दिया है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का समर है। मेरी सहाफती जिम्मेदारियों में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की सरगर्मियों की कवरेज भी थी। एक दफ़ा जनरल असलम बेग के दौर में ज़रबे मोमन बड़ी वसी पैमाने पर जंगी मशकें आईं और मुझे अपने अदारे की जानिब से इन जंगी मशकों की कवरेज के लिए भेजा गया। मेरी जब वालदा से मैंने इसकी परमिशन ली तो मेरी वालदा ने बड़ी खुशी से मुझे ज़रबे मोमन जंगी मशकों में जाने की इजाज़त दी और ये कहा कि बेटे जब आप आर्मी में जाओ और वहाँ पर जब सीनियर फौजी ऑफिसर्स के साथ आप कवरेज ज़रबे मोमन की करो तो एक बात याद रखना कि सीनियर फौजी ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में हो आप उनके साथ तस्वीरें बनाना और मैं वो तस्वीरें जब आप वापस आओगे तो अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी कि मेरा बेटा फौजी ऑफिसर्स के साथ बड़ा प्यारा लगता है। हुआ क्या कि मैं ज़रबे मोमन की कवरेज के लिए तो गया, मैंने वहाँ पर सीनियर फौजी ऑफिसर्स के साथ बड़ी तस्वीरें बनवाई, लेकिन जब मैं अभी वहाँ जंगी मशकों की कवरेज के लिए मसरूफ था तो पीछे मेरी वालदा की डेथ हो गई और मुझे हंगामी तौर पर वहाँ से जंगी ज़रबे मोमन की जंगी मशकों से वापस लाहौर लाया गया। मैंने बहुत सी तस्वीरें बनाई अपनी वालदा की ख्वाहिश पर, लेकिन मेरी वालदा वो तस्वीरें नहीं देख सकीं। लेकिन मेरा ईमान है कि मेरी वालदा मेरी तमाम कामयाबियों पे नज़र रखे हुए हैं और वो मेरे लिए हर वक्त दुआ गुज़ार रहती हैं और मेरी तमाम तर कामयाबियों में मेरे वालदैन की और मेरी खसूसन वालदा की जो दुआएं हैं उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरी वालदा अपने बहन भाइयों और फैमिली मेम्बरान के पास बैठ के अक्सर मेरे बारे में कहती थी कि देखना अमीन हफीज़ को अल्लाह ताला ने लाहौर के नाल के पास घर देना है और वहाँ पर इसका बड़ा खूबसूरत घर बनेगा। ये मेरी माँ की ख्वाहिश और दुआ थी। मैं तब सोचा करता था कि अमीन हफीज़ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि मैं लाहौर के नाल पर घर बना सकूं, लेकिन माँ की दुआ है। कहते हैं ना कि माँ की दुआ अर्श हिला देती है और वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह कबूल फरमाते हैं वो एक माँ का ही रुतबा होता है। और फिर मैंने अमलन देखा कि मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसी लाहौर किनाल पर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक प्लॉट दिया और फिर मैंने वहाँ पर अपना घर बनाया और इस वक्त मैं अपने इसी लाहौर किनाल पर वाकिया जोह टाउन में आज मौजूद हूँ और अपनी माँ बाप का दुआएं देता हूँ। और मैंने इस घर के ऊपर अपना नाम नहीं लिखवाया, अपनी वालदा का नाम जीनत बेगम लिखवाया है।
मदर डे के इस मौके पर मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों के वालदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, और जिनके वालदैन नहीं हैं अल्लाह ताला उनके वालदैन को दर्जात उनके बुलंद करें, और हमें अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन अफीम।